get more such videos on law, do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notification and update. Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? तुषार पारे this side and welcome to my channel Logical Guruji. Guys, पिछले दो तीन दिन से हम लोग कई सारी videos देख रहे थे और result आके हमारे दो तीन दिन हो चुके हैं और अब काफी बच्चे interested होंगे जानने के लिए कि हम December में क्या करें, ठीक है ना? तो we should now make a plan for December 2018. So we should make a goal, roadmap and full planning for December 18 exams, ठीक है? तो मेरे पास बहुत सारे अलग-अलग situations हैं जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब हाफ एन आर का होगा approximately. इसमें सारी guidance मैं आपको दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, plan कैसे बनाना है. ये ध्यान रखते हुए कि इस time festivals बहुत ज़्यादा रहते हैं, शादियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो ये सब हमेशा बोलता हूँ कि ये जो second half होता है ईयर का, नॉर्मली ये फेस्टिवल्स और शादियों के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी होता है. बट ये सब ध्यान रखते हुए, पढ़ाई ध्यान रखते हुए, और आपके पास कुल मिला के अभी 100 दिन के आसपास है, तो हाउ विल यू मेकअप विद दिस एग्जाम्स, वो हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है? मेरे पास अलग अलग टाइप के बच्चे भी हैं, तो मैं हर बच्चे के लिए बात करूँगा जो नॉर्मली 3 से 4 कैटेगरी के बच्चे हमारे पास इस कहानी में आ सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, ये ध्यान रखना आपको बच्चों अच्छे से कि मैं जो बातें आपको करूँगा ये बातें आपको फुल बोलते ना ईमानदारी से फॉलो करनी है. अगर आप कर पाए तो इसको दिल पे या ईगो पे मत लें जो मैं बताऊंगा आपको. मैं हो सकता है किसी को कोई बात अच्छी लगे, कोई बात बुरी लगे, बट स्टिल अपनी फोकस के साथ इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे अच्छे से. एंड नो नीड टू से, बट ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे. वो एक बटन होगा लाल कलर का सब्सक्राइब का, उसको ठोक डालिएगा, ठीक है? और उसके बाद जो घंटी भी होगी उसको भी बजा दीजिए, ठीक है? एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक टू बनता है अगर आपको अच्छा लगे तो. अभी नहीं है, पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा. तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि सर क्या क्या लाया हूँ मैं आपके लिए प्लानिंग करते हुए और क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए मेरे पास पिटारे में, ठीक है? गाइस बात करते हैं पहले तो 3-4 कैटेगरी के बच्चों की जो मुझे लगता है कि है. दिसंबर 18 कौन देगा? दिसंबर 18 कौन देगा? मुझे लगता है पहली बार वो बंदा देगा जो फर्स्ट टाइम देने वाला है. सर फर्स्ट टाइम मतलब कौन? जिसने शायद फेब में फाउंडेशन पास किया था जनवरी फरवरी 2018 में और फाउंडेशन के बाद पहली बार दिसंबर में एग्जाम देने वाला है. मे बी 1 ग्रुप, मे बी 2 ग्रुप, जो भी. दूसरा बंदा वो है जिसने जून महीने में बोध ग्रुप दिए थे, ठीक है ना? बोध ग्रुप दिए थे और दोनों में फेल हो गया. बोध ग्रुप दिए थे, दोनों में फेल हो गया. तीसरी कैटेगरी वो हो सकती है, दिए थे तो बोध ग्रुप, ठीक है, बट ग्रुप 1 पास हो गया या ग्रुप 2 पास हो गया. और चौथा कैटेगरी वो जिसने दिया था जून में एक ही ग्रुप, ठीक है, एंड प्लान करा था कि दिसंबर में दूसरा ग्रुप देगा, ठीक है, ग्रुप 2, बट पहला ग्रुप पास हो गया, दूसरा ग्रुप फेल हो गया. मतलब दूसरा ग्रुप अभी देगा. तो आई होप समझ में आ रहा है अच्छे से. पहला टाइप के बच्चा कौन है? जिसने तो सर अब तक के कुछ उसको टेंशन, उसको मालूम भी नहीं पेपर क्या होता है. वो दुनिया के बोलते ना सारे विचित्र चीज़ों से दूर है, उसको मालूम भी नहीं ICSI में होता क्या है. उसका पहली बार तो अभी आगमन होने वाला ICSI के पेपरों में, ठीक है? मतलब उसने दिया था फाउंडेशन एग्जाम, उसको हम गिनते नहीं है. एग्जीक्यूटिव में उसका पहली बार आगमन होगा और पहली बार उसको सब ICSI की ट्रीटमेंट मिलने वाली है. अब ऐसा बंदा जो दिसंबर में पहली बार एग्जाम देगा, वो फेब में पास हुआ था फाउंडेशन और अब दिसंबर में एग्जाम देगा, शायद एक ग्रुप शायद दो ग्रुप, ठीक है? ये पहला एक कैटेगरी मेरे पास है. दूसरी कैटेगरी वो है जिसने बोध ग्रुप दिया था जून महीने में, दोनों फेल हो गया. तो टेंशन ज्यादा नहीं है क्योंकि दोनों ग्रुप दिए थे तो दोनों ग्रुप आते हैं. सिर्फ 7 सब्जेक्ट की रिविजन करनी है. सर सिर्फ 7? अरे हाँ, बट आता सब कुछ है ना. सब में कम मार्क्स मिले थे बट आते सब कुछ है. उस पर भी हो सकता है कि किसी में तो एग्जामेशन आ गया होगा, एक दो पेपर में कॉस्टिंग वेस्टिंग में 60-70 आ गए होंगे, तो पक्का बोध ग्रुप देना चाहिए उसने वापस दिसंबर में. तो ये कैटेगरी है. थर्ड कैटेगरी सर ये है कि दिए बोध ग्रुप थे बट कोई ग्रुप 1 या 2 ही पास हुआ, तो बहुत तो भी कोई टेंशन नहीं है. सोचो जरा, 2 ग्रुप दिए थे, एक ग्रुप पास भी हो गया, लेट से ग्रुप 1 पास हो गया तो बचा ग्रुप 2. ये तो यार तुमको सब आता है, तुमने पहले पढ़ चुके थे, तुमको सिर्फ एक ग्रुप देना है वो भी रिविजन करते हुए, तो ईजी है बट प्लानिंग. और चौथा, दिसंबर अभी जून में एक ही ग्रुप दिया था, लेट से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कोचिंग शुरू की थी. ये सोचा था कि भैया ग्रुप 1 पास हो जाऊंगा और ग्रुप 2 दिसंबर में दूंगा, बट हुआ ये कि ग्रुप 1 पास नहीं हो पाए, तो अब क्या करें? या वाइस वर्सा, ग्रुप 2 दिया था जून में और सोचा था कि ग्रुप 1 की प्लानिंग करेंगे, कोचिंग वोचिंग ली होगी और फिर ऐसे में सोचे थे. तो ये 4 कैटेगरी मुझे लगती है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है. इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जो है वर्किंग प्रोफेशनल, जो जॉब करते हैं.
जो जॉब करते सुबह 10 से 7 जॉब करते या 9 से 8 जॉब करते दिन भर में, एंड दे स्टिल डूइंग सीएस, तो हैट्स ऑफ टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये आप सीएस कर रहे हो, बट सर हैट्स ऑफ तो ठीक है, लेकिन आप प्रॉब्लम ये कि उनका हेड ऑफ हो जाता है ना वो पढ़ ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए भी हमको कुछ सोचना है, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे कि वो कर तो रहे अच्छा मेहनत, सब अच्छा है, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग कुछ बात करेंगे। तो ये वीडियो में नॉर्मल 4-5 बातें होगी, तो वन बाय वन देखेंगे आप लोग। अभी मैं बात करूंगा पहले उसके लिए, फर्स्ट बंदा जिसका, ठीक है, जिसका दिसंबर 18 फर्स्ट टाइम है, इजी है, फर्स्ट टाइम है दिसंबर 18 फर्स्ट टाइम है। अब फर्स्ट टाइम है तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, आपने अजम्पशंस है, दो अजम्पशंस है, कोचिंग डन, कोचिंग नॉट डन, ठीक है। पहला अजम्पशन है कोचिंग हो चुकी है और कोचिंग नहीं हो, कोचिंग डन और नॉन डन पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अजम्पशन मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि फेब में आपने पास किया था क्या आपका फाउंडेशन, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त खत्म हो गया है, मतलब 6 मंथ्स में आपने कोचिंग कर ली होगी। अगर कोचिंग डन है, डन है तो बहुत अच्छी बात है, रिविजन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे फ्री वीडियोज आएंगे वो देखिए, ठीक है, और इसके अलावा मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, ये दो तीन बातें। अब आप स्कैनर भी ले सकते हो, स्कैनर लेके पढ़ सकते हो कि क्या क्या एग्जाम में आता है नॉर्मली, ये 4 चीजें करिए। पहला सेल्फ स्टडी, क्योंकि मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपने कोचिंग कर ली है। दूसरा यूट्यूब पे जैसे मैं हूँ, वैसे कई लोग हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, विवेक गाबा सर को जानते होंगे शायद कई लोग, ठीक है, टैक्स के प्रोफेसर है, उनके चैनल में जा सकते हैं आप, और ही पुट्स अ वीडियो ऑन टैक्स, अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। ऐसे 2-3 लोग हैं जो अच्छा करते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें विवेक गाबा सर भी एक है, और मैं तो हुई जैसे कई लोग जानते हैं मुझे मेरे बारे में, तो मैं डालते रहता हूँ, विवेक गाबा सर डालते हैं, ऐसे हम लोग हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हो फ्री में, तो आपका एक नॉलेज अपडेट होते रहेगा। सेल्फ स्टडी तो आप कर ही रहे हो क्योंकि आपको सब आता है। तीसरा मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने बहुत बच्चों से बात की अभी इस दिसंबर के, अभी जून के एग्जाम के बाद भी, बच्चे मेजरली फेल इसलिए हो क्योंकि सर उनको एग्जाम में लिखना ही नहीं आता है। इफ आई आस्क देम कि बताओ इसका आंसर क्या है, दे विल गिव द आंसर, बट द मोमेंट वेन आई आस्क देम टू राइट द आंसर्स, दे आर नॉट एबल टू राइट द आंसर, उनको लिखना ही नहीं आ रहा, पेन चलता ही नहीं सर। और आपको मैं जो बोल रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिसंबर में पेपर आपका, ठंडी के मौसम में, कड़ाके की ठंड होती है, ट्रस्ट भी पेपर हाथ चलता नहीं है। अभी आप तो इसे ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्या, बिल्कुल ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, आपके ठंड के मौसम में आपका हाथ चलेगा नहीं, ऊपर से आपको आ नहीं रहा है, आता भी है तो यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट बिकॉज आपने कभी लिख के देखा नहीं। अरे लोग तो क्या करते हैं, अकाउंट्स भी सॉल्व करते हैं दिमाग से, हाँ डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, अकाउंट्स प्लीज टेबल, डेबिट क्रेडिट लिखो, ढंग से बनाओ, चार्ट बनाओ, प्रॉपर अकाउंट टी फॉर्मेट बनाओ, लिख के करा करो। लोग तो अकाउंट्स भी क्या करते हैं यार, ओरल सॉल्व करते हैं, ये तो लॉ तो उनको लगता है कि ओरल ही है, एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जब केस लिखने की बारी आती है चालू नहीं होता पेन, लिख ही सकते नहीं, पैराग्राफ कब बदलना, कब शिफ्ट करना, कब मोमेंटम को चेंज करना, कुछ मालूम नहीं रहता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट द मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट लिखना शुरू करें, कई जगह पे आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट वगैरह आपको, या फिर आप जिस सिटी में रहते हो अपने प्रोफेसर से बात करो, और अगर आप जैसे मेरे लेक्चर लिए होंगे कंपनी लॉ के, तो मैं तो बच्चों के टेस्ट लेता रहता हूँ कंपनी लॉ या सीएमएसएल की, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे टेस्ट होती रहती है, तो टेस्ट सॉल्व करें, वेदर यू गेट आंसर शीट्स और नॉट वो छोड़ दो, मतलब आपको आंसर चेक करके, जैसे मैं खुद आंसर चेक नहीं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं होता है, तो आंसर चेक बात की बात है, आप लिखो, आप लिख के देखो, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 बहुत जरूरी है, और स्कैनर सर आखिरी में लेना पड़ता है क्योंकि स्कैनर में वो होता है जो एग्जाम में आया हुआ है, तो आप कोई भी स्कैनर ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे आते हैं, सुचिता, रिलायंस, लॉ पॉइंट, एनीथिंग, आप स्कैनर ले लीजिए और चेक करिए कि एग्जाम में क्या क्या आया था, और वो आप देख सकते हो। ये 4 चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपकी कोचिंग डन है तो। दूसरा ऑप्शन, कोचिंग डन ही नहीं, मतलब कोचिंग शुरू ही नहीं की, मतलब बताएं सो रहे थे क्या, एग्जाम फेब से लेके अगस्त आ चुका है, पता नहीं क्या किया, अब आपको दिसंबर में एग्जाम देनी है और आप अब जागे हो, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है, जागे हो। ऐसे लोगों के लिए क्या कर रहे थे अब सर, सेल्फ स्टडी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे लोगों के लिए मैं हेल्प, मेरे है, मैं जो हेल्प कर सकता हूँ वो ये है कि आपको पता ही है मेरे कंपनी लॉ के वीडियो लेक्चर्स होते हैं, कंपनी लॉ, सेबी, JIGL मतलब जुरिसप्रूडेंस, और जो ओल्ड वाले हैं उनके लिए ILGL, ये 3-4 सब्जेक्ट मैं नॉर्मली देता हूँ बच्चों को, तो आधा कंपनी लॉ, आधा तो सिलेबस में ही दे देता हूँ, मेरे लेक्चर्स आप ले सकते हो, मैं
मैं बोल रहा हूँ ना, फ्री में भी देता हूँ मैं, बट फ्री में किसके लिए है, जिसको सब आता है। हम लोग यूट्यूब पे फ्री डालते हैं, बट वो फ्री उसी के लिए होता है जो उसको सब आता है, रिविजन होता है सर। बट आपको अगर थॉरो नॉलेज चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए विथ प्रॉपर डिटेल चाहिए, तो सर लेक्चर तो लेना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में मेरी तरफ से डिस्काउंटेड लेक्चर चल रहा है अभी बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड ऑल दिस थिंग। तो जिसको चाहिए वो कंपनी लॉ के, सेबी के, जेआईजी के लेक्चर्स ले सकते हैं, मेरे वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, csthusharpai.com पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। नीचे भी देखो आप लिंक चल रही होगी, यहाँ से आप देख सकते हो। अब आप में से दो चार लोग इसको डिसलाइक करेंगे कि तुषार सर अपना माल बेच रहे हैं, ठीक है ना, जो ठीक समझना समझ सकते हो भाई, लेकिन आई एम गाइडिंग यू। मेरा पहला मोटो ये है कि अगर आप लेफ्ट साइड में हो और आपने सब कुछ कर लिया तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूँ यूट्यूब पे मैं लेक्चर डालूंगा फ्री में, बट नहीं है सर, अगर आप राइट साइड में आते हो तो फिर आप कुछ तो टाइए ना, 2 महीने में क्या करोगे। तो ऐसे में यू कैन परचेज द लेक्चर्स ऑफ तुषार पाड़ एज वेल एज अदर फैकल्टीज, और आप शायद पढ़ना अच्छे से भी शुरू कर सकते हो। बाकी आपके लिए वही अप्लीकेबल है, मॉक टेस्ट दीजिए, स्कैनर दीजिए, ठीक है। तकरीबन 100 दिन है हमारे पास, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। 90 दिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 90 दिन ये हो गए, और 10 दिन समझ लो अंदाजन इसके दिसंबर के, फिर उसके बीच में छुट्टियाँ है, दशहरा, दिवाली, गणपति, दुर्गा पूजा, बहुत कुछ है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें करनी होती है, और इसका टाइम निकालना है, तो ये सब टाइम निकालो अभी से, मैनेज कर लो। ये मालूम है आपको, अभी कोई नया से नहीं, आपको मैंने बताया था ना शादी से, मेरे घर में 2-3 शादी है दिसंबर महीने में, मुझे मालूम है। तो फिर मैं प्लानिंग अभी से करूंगा, मुझे पता है कि फेस्टिवल्स आएंगे, मुझे पता है कि त्यौहार है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं मनाता हूँ, तो वो टाइम निकाल लो अच्छे से, ठीक है ना। तो वो प्लानिंग आप करो। मैं अभी इसे बातें नहीं करने वाला कि घंटे कितने पढ़ने हैं, सर कितने घंटे पढ़ना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 10 घंटे, 9 घंटे, 15 घंटे, सर घंटे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसा नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, कितने क्वालिटी आप पढ़ रहे हो, क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है। आप 4 घंटे पढ़ो बट आप उतने देर प्रॉपरली फोकस करके पढ़ो, ठीक है। रात को पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, अगेन नो कमेंट्स ऑन दैट। मैं नॉर्मली कभी रात को नहीं पढ़ सकता, मैं आज भी 11 बजे के ऊपर जागता हूँ तो मुझे नींद आती है, मैं नहीं बैठ पाता अगर इफ़ इट इज़ मोर देन 11 PM, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू वेक अप एट 5 AM और 5:30 लाइक दैट, एंड इवन समवन वेक मी अप बाय 4 AM, आई एल हैप्पी टू डू दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जागना, सुबह बाहर जाके थोड़ा सा फ्रेश एयर लेना, वो सब करना। मैं जब पढ़ता था तब भी मुझे अच्छा लगता था, कि कई लोगों के लिए सर ऐसा है कि रात को 3-3 4-4 तक जागते हैं, सुबह उठना नहीं होता है। तो सर ऐसा तो नहीं कि जो बंदे ऐसा करते हैं वो फेल हो जाते हैं, इट्स अप टू यू। सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, कभी भी पढ़ो। आप दिन भर में 7-8 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, 5 घंटे भी पढ़ लेते हो, अच्छी बात है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, ठीक है। तो ये कर लो, आई विल नॉट डिवाइड इट कितना क्या करना है, आप डिवाइड कर लो। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भैया 100 घंटे है, 7 सब्जेक्ट है, एवरेजली 13 घंटे पर सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं हो सकता। लेट से टैक्स है, आपको टफ लगता है तो टैक्स को आप 20 घंटे दे दो, और IELTS जो है या फिर ECL जो है ये इजी है, इसको आप 10 घंटे दे सकते हो। तो आपको वो मैनेज करना है, ऐसे किसी के कंपल्शन नहीं है कि टैक्स पे 20 घंटे या 25 घंटे देना है। अकाउंट्स पे प्रैक्टिस होनी चाहिए तो गिव इट 20 आवर्स, बट एट द सेम टाइम गिव लेट से CMSL 15 आवर्स, वो डिपेंड आपको। बट 15 आवर्स भी किसको, जिसका पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो आप कितने घंटे दे रहे हो, 20 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे, ऐसे करके 100 घंटे आप दे देंगे एक महीने में। एक महीने में 100 घंटे बहुत ज़्यादा, बहुत कम बोला मैंने एक्चुअली। डेली भी अगर आप 5 घंटे देते हो तो 25-30 दिन मिलते हैं आपको, 30 दिन और इंटू 5 घंटे इज 150-170 आवर्स यू कैन मैनेज इन अ मंथ, और ऐसे करके आप प्रॉपरली पढ़ सकते हो। तो वो आपको मैनेज करना, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, जो लोग कोचिंग नहीं करे हुए हैं उनके लिए ऑप्शन सिंपल सा है, यू कैन गो फॉर द लेक्चर्स, यू कैन ऑलवेज गो फॉर यूट्यूब वीडियो जो मैं डालते रहता हूँ, बट वो अभी आने में टाइम है, और वो आएंगे तब जब वो बहुत क्रिस्प और फास्ट रहेंगे। खाट 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 पढ़ाते हैं हम लोग। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे CMSL रिविजन लेक्चर के थ्रू अपने एग्जाम को पास किया था जून महीने में। जो लोग ये सुन रहे हैं वो नीचे कमेंट करें कि ऐसा हुआ था कि नहीं, ठीक है, कितना अच्छा था हमारा रिविजन लेक्चर CMSL के। आगे भी होंगे बट सर वो क्विक थे, 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। तो उसके चाहिए पूरा नॉलेज, तो वो पहले आप ले लो, ठीक है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट तो आपने भी सॉल्व करना है, स्कैनर तो आपने भी सॉल्व करना है। तो ये तीन तो सबके लिए कॉमन है। जिसकी सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट है वो सेल्फ स्टडी वही कर सकता है जिसके पास पूरा का पूरा 6 महीने का नॉलेज था, ये वाला बंदा। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा सर आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। तो पहला बच्चा क्लियर हो गया, ठीक है, ये पहला बच्चा क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं। दूसरा, जिसने बोथ ग्रुप दिया था, बोथ ग्रुप फेल हो गए, ओके, बोथ ग्रुप दिया था, बोथ ग्रुप फेल हो गए, कोई बात नहीं, चलो पता करते हैं। लेट्स से
आपने बोध ग्रुप दिया था और आपको कंपनी लॉ, टैक्स, ऐसा मुझे लगता है, अकाउंट्स और CMSL, ये चार सब्जेक्ट को मैं लेफ्ट रखता हूँ, और ECL, कॉस्टिंग और ILGL, ये सब मैंने क्यों किया है, जो मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये थोड़े टफ है और ये थोड़े इजी है, ये मुझे लगता है। आई डोंट नो जरूरी है ये कि नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कंपनी लॉ, टैक्स, ये टफ लगता है ग्रुप वन में, अकाउंट्स एंड CMSL मुझे लगता है ग्रुप टू में टफ है। ILGL में मैंने देखा है कई बच्चों को 80 मार्क्स भी आए हुए हैं, कॉस्टिंग में तो इस बार सर लॉटरी थी, लॉटरी 70 80, 70 80 कई लोगों का है, और ECL भी नॉर्मली 50 60 दे देता है। द क्वेश्चन अराइजेस दिस ऑन कंपनी लॉ, टैक्स, CMSL एंड अकाउंट्स। अब ये मेरा पॉइंट था, हो सकता है आपको लगता होगा सर सर हमारे लिए कंपनी लॉ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है सर कंपनी लॉ, मुझे प्रॉब्लम ECL में, तो वो आप शिफ्ट कर लो। 7 सब्जेक्ट से आप दोनों पेपर दिए थे, दोनों में फेल हो गए, ठीक है। आप ये वाले कैटेगरी वाले हो, बोथ ग्रुप फेल नंबर 2, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बोथ ग्रुप दिया था, बोथ ग्रुप फेल हो गए, आपको ये देखना है कि वापस मैं एग्जाम देनी है क्या। डिपेंड कब करेगा, अगर आपके मार्क्स कंपनी लॉ में 20 15 25 40 42 30 ऐसे मार्क्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट बोथ ग्रुप और नॉट, वेदर यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप और नॉट, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ही वाहियात मार्क्स आए, और मैंने आपको शायद पहले भी वीडियो में बोला था वाहियात मार्क्स हो सकता है जानबूझ के आए हो सकता है आपकी जो नॉलेज है वो बहुत कम हो सकता है। याद है मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था पहले भी, दैट लेडी, प्रेगनेंट लेडी, जिसकी लाइफ में इशू था, मतलब उसको बेबी, शी वॉज सपोज टू डिलीवर अ बेबी एंड बिकॉज ऑफ दैट शी कुडेंट मैनेज टू स्टडी इन अप्रैल मई, ऐसे ऐसे के लिए उसको मार्क्स कम आए, बट देन वो लड़की खराब नहीं थी, उसको नॉलेज अच्छा था। एक बंदा बताता मैं, जिसके बड़े भाई की शादी थी मई महीने में, उसने पढ़ाई नहीं की, तो फिफ आपको मार्क्स कम क्यों आए, ये आप सोचो। अगर आपको सच में बहुत कम मार्क्स आते हैं हर बार, देन डोंट गो फॉर बोथ ग्रुप्स, बट ये कोई गारंटी वारंटी नहीं है, आप सोच सकते हो, ठीक है ना। और जिसको मार्क्स अच्छे आए थे फिर भी फेल हो गया था, जैसे अच्छे मार्क्स हैं 55 57 50, ऐसे मार्क्स आ रहे थे किस सब्जेक्ट में, कुछ भी 45 42 आए, एग्रीगेट में पास नहीं हुए, 3 मार्क्स से रह गए, 2 मार्क्स से रह गए, ऐसे बंदे ने तो सर बहुत कुछ देना चाहिए। और कुछ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसको 70 80 मिले होंगे, मतलब आउट ऑफ 7 2 या 3 सब्जेक्ट तो एग्जाम भी हो गए, मतलब बच्चे अब 5, और 5 सब्जेक्ट रिविजन करना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ रिविजन करना है। अगर आपको रिविजन करना है तो फिर वही रूल अप्लीकेबल होगा, वो 4 पॉइंट वाला रूल, पहला सेल्फ स्टडी, दूसरा मॉक टेस्ट ये दीजिएगा, तीसरा यूट्यूब पे वीडियोस फॉलो करिए हमारे जो हम लोग डालते रहते हैं, और चौथा स्कैनर, दैट्स इट, नथिंग न्यू, कुछ नादा नाटक नहीं करना है, इतना ही पढ़ना है। रिवीजन करो आप सेल्फ स्टडी करते हुए, ठीक है, नो नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग क्लासेस वगैरह। अगर आपको पूरा कंसेप्ट वही वापस से, अगर आपको 55 60 55 60 आ रहा है, कोचिंग मत लेना किसी के भी, ना यूट्यूब ना वीडियो लेक्चर्स ना कोई लाइव बैच, आपको आता है सर बस थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था वो देख लो बस। सर अगर आपको 25 से 25 आ रहे हैं तो फिर यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वेदर यू नो एवरीथिंग प्रॉपरली और नॉट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट येट देन प्लीज गो फॉर लेक्चर्स। अगेन मैंने बोला कंपनी लॉ में कई सारे अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, तो यू कैन गो फॉर द लेक्चर्स, और आप बाय कर सकते हो, नीचे में लिंक, आपको नंबर मैंने बताया था, नंबर मिलेगा और वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप जाके ले सकते हो कंपनी लॉ, CMSL, ILGL वगैरह। बट मैं फिर से बोलूँगा, आपको लगता है 55 60 आया सर मुझे नॉलेज अच्छा है, बस सर आप एग्रीगेट में पास नहीं हो पाया, तो बिल्कुल पैसे मत खर्च करो। यू डोंट वॉन्ट टू परचेज अ लेक्चर, यू डोंट वॉन्ट एक्चुअली एनी वन टू हेल्प यू, यू नो एवरी थिंग, इज जस्ट दैट यू वॉन्ट सम गाइडेंस, एंड फॉर दैट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ जो पॉसिबल होगा। अभी फिलहाल मेरे पास बेस्ट तरीका होता है आपसे बातें करना, मोटिवेट करना, और थोड़ा और ज़्यादा है तो वो लेक्चर दे सकता हूँ मैं आपको, और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, यही कर सकता हूँ। मैं बातें कर रहा हूँ, आपको वीडियोज डालते रहा हूँ, रोज डाल रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप और आपके व्हाट से कॉल्स का आंसर दे रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ तो वह लेक्चर दे सकता हूँ आपको अपने अपडेटेड हाईली क्वालिटी लेक्चर्स, ठीक है। एनीवेज तो नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 ये वाला बंदा, ये कौन है भाई, दिया बोध ग्रुप था, ग्रुप 1 पास हो गया। आप तो सर नंबर 2 से भी बहुत कन्वीनियंट लेवल पर है, आपने तो बात ही नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, आप खुद समझदार हो अच्छे से। 2 ग्रुप दिए थे, 1 पास हो गए, बचा 1 ही ग्रुप, यानी एक तो आपको टेस्ट है हाउ टू पास द एग्जाम, आपको आदत है हाउ टू पास द एग्जाम, आपको नॉलेज है हाउ टू पास द एग्जाम, आपने पास होने का स्वाद चखा हुआ है, आपको मालूम है आप पास कैसे करते हैं, और आपको 1 ही ग्रुप देना है। नॉर्मली 3 सब्जेक्ट होंगे या 4 होंगे, और वो भी आपने पहले दे चुके थे,
मतलब आप दे चुके थे, ऐसा नहीं कि पहली बार देने वाले हो, यू नो एवरीथिंग थॉरली, आपको सिर्फ रिविजन करना, वही चार रूल्स, सेल्फ स्टडी। बट अगेन ध्यान रखना, कोच ये सब मैं बातें कर रहा हूँ अजम्पशन पे कि कोचिंग डन है, आपकी नॉलेज पूरा अच्छे से है, ये अजम्पशन पर है, कोचिंग डन नहीं है आपकी। जैसे एग्जाम्पल एक और बता सकता हूँ, एक और एग्जाम्पल कैसा हो सकता है ये वाले कैटेगरी में, ये वाले कैटेगरी में, इस पर आऊंगा मैं अभी, वो एग्जाम्पल बात करेंगे। इस पर ऐसा हो सकता है नॉर्मली कि एक बंदे ने ग्रुप वन दिया था एग्जाम्पल के लिए, और सोचा था कि मैं ग्रुप टू की पढ़ाई चालू कर देता हूँ, ठीक है। अब उसने ग्रुप टू सोचा कि मैं चालू कब करूंगा, उस समय, किस समय, रिजल्ट के बाद। इमेजिन करो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इमेजिन इट, एक बंदे ने ग्रुप वन दिया, लेकिन ग्रुप टू कब सोचा था दूंगा करके, मैं सेप्टेम्बर में, ये सोच के कि मेरा ग्रुप वन पास हो गया तो मैं ग्रुप टू ज्वाइन करूंगा। उसे ज्वाइन नहीं किया था जून जुलाई अगस्त में, ही वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड ही वॉज थिंकिंग कि मैं ग्रुप वन पास हुआ तो आई विल स्टार्ट ग्रुप टू, और अगर मैं ग्रुप वन पास नहीं हुआ तो आई विल नॉट स्टार्ट ग्रुप टू, आई विल अगेन रिपीट ग्रुप वन, ऐसा उसका सोचना था। बट भाई साहब जो है वो ग्रुप वन पास हो गए। अब ऐसा बंदा जिसने सोचा था मैं ग्रुप वन पास होने के बाद क्लास लगाऊंगा, अब वो फंस गया क्योंकि अभी बचे 4 महीने 3 महीने, एंड उसका ग्रुप वन पास हो चुका है और ग्रुप की कोचिंग लिया नहीं है ये वाला बंदा। एक ग्रुप पास हो चुका है, एक ग्रुप की कोचिंग ली नहीं है। अब ऐसे में इस बंदे को कोचिंग लगेगी तो क्या करेगा, कहीं पर लाइव बेस्ट मिलने से रहे आपको, तो फिर ऐसे में आप अगेन यू कैन थिंक ऑफ दैट। बट मेरा पूरी कहानी इसी भी घूम रही है, कोचिंग डन है, कोचिंग डन है। तो जो बंदा आज भी एग्जाम के 4 महीने पहले कोचिंग नहीं करा हुआ है, उसको नॉलेज नहीं है प्रॉपरली, तो वो बंदे को थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा, ठीक है ना। तो वो आप ले सकते हो फिर लेक्चर्स को, और आप वैसे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और चौथा कैटेगरी जो बताया मैंने आपको, ये एक्चुअली आसान है। दिया एक ही ग्रुप था जून में, वो पास हुआ नहीं, और अब देना बोध ग्रुप है। तो ऐसे बंदे ने थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक ग्रुप दिया था और वो एक ग्रुप ही पास नहीं हुआ, एंड नाउ गिविंग सपोज टू गिव बोथ ग्रुप्स, नाउ व्हाट ही विल डू। तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि वापस से बोथ ग्रुप, पहला ग्रुप में क्या स्टेटस है, फेल हुए हो पहला ग्रुप, आई नो दैट, बट कितने बुरी तरह से फेल हुए हो। फेल हुए हो, यू नीडेड 200 मार्क्स, आपको आए कितने, 198, तो आप बोथ ग्रुप दे सकते हो भाई, क्योंकि आप पास हो चुके थे। मेरे लिए आईसीसी ने पास नहीं किया लेकिन आपको नॉलेज है, बट आपको आए थे 108 आउट ऑफ 400 ग्रुप वन में। सर पहले तो आप पहले ग्रुप वन ही देख लो, अच्छा मुझे लगता है, ये मुझे लगता है। बट फिर वही वाली बात, आप बोले नहीं सर मैं तो उस एक्सेप्शन कैटेगरी वाले बच्चे में हूँ आपके, तो फिर डिपेंड, तो वो आपको कॉल लेना। मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज डोंट आस्क टू एनी फैकल्टी। मुझे कई बच्चों, मेरी फैकल्टी से बात होती रहती है, वो बताते रहे तुषार सर बच्चे ऐसे पूछते हैं, वो पूछते हैं, मुझे लगता है आप, हम कैसे बताएं आपको, वी डोंट नो यू पर्सनली, तो हम आपको गाइड करें हर चीज वन टू वन मुश्किल है भाई। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि ऐसा हुआ तो आप कर सकते हो। तो आप सोचो, आप अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है। और पांचों जो मेरा मेन पॉइंट था, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो जॉब करते हैं, उनके साथ तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है, उनका आई डोंट नो लेक्चर्स उनकी कोचिंग हुई है नहीं हुई है, बट 9 to 5 या 9 to 7 जॉब करने का तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स, ये मेरा कोई पर्सनल मोटो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं आप लोग, तो यू कैन गो फॉर वीडियो लेक्चर्स, आप वो ले लीजिए, और आप अपने मोबाइल फ़ोन बढ़ा लीजिए उसको। अब बढ़िया, आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो बाय मेट्रो, जैसे जैसे कोई बंदा मुंबई में रहता है, वहाँ तो 1 ही घंटा लग जाता है ट्रैवल करने में, तब तक आपको जाते जाते 1 घंटे का लेक्चर हो गया, आते आते 1 घंटे का लेक्चर हो गया, रात को बैठे बैठे कुछ लेक्चर देख लिया, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, और कोई तरीका नहीं है आपका। और आखिरी महीने में, लास्ट मंथ में आप एग्ज़ाम लीव ले लीजिए। बट मुझे लगता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं लगता आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत टाइट होता है, ठीक है। और आप ग्रुप भी एक एक दीजिए, बोल ग्रुप पे मत जाइएगा, साथ साथ पेपर देना थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं किसी को डिमोटिवेट या अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग अ रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू। देर आर पीपल हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, दे आर स्टडिंग फॉर 18 आवर्स, बट देन स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम्स, एंड देन दे आर सम पीपल हु इवन क्रैक द ऑल इंडिया रैंक। तो आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग और अपलिफ्टिंग एनी वन, मैं किसी को चढ़ा या गिरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि होता क्या है। तो आप सोचो, आप जॉब कर रहे हो 9 to 7 या 9 to 6 भी जॉब कर रहे हो, स्टैंडर्ड टाइम है, तो 9 घंटे आप बाहर हो, और उसके लिए 1.5 घंटा आना जाना, अगर आप दिल्ली मुंबई मेट्रोज में रहते हो तो। इफ यू बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी तो ठीक है, बट मुझे लगता है जो वर्किंग प्रोफेशनल ज़्यादा होते हैं वो ये मुंबई पुणे दिल्ली बेंगलोर यहाँ पे रहते हैं, एंड दे आर इन टू मेट्रोज, एंड दे नीड टू ट्रैवल फॉर 1 आवर एटलीस्ट, जाना 1 आवर आना 1 आवर। मुझे लगता है 1 आवर में लेक्चर देखना बहुत बेस्ट हो जाएगा, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर, इफ यू रियली नीड एंड इफ यू विश, अदरवाइज अगेन एवरी वन रिमेंबर, स्कैनर आप ले सकते हो,
स्कैनर कभी भी मैं पहले लेने नहीं मना करता हूँ, क्योंकि स्कैनर के लोगों को गलत तरह से लेते हैं, दे ओनली रिलाय कि अच्छा यही एग्जाम में आता है यही पढ़ूंगा, जो कि रॉन्ग है। वैसे स्कैनर कभी भी पहले मत लेना, स्कैनर सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल होना चाहिए, उसको कभी भी आप पहले मत दो, ठीक है। फिर आप यूट्यूब वीडियोज देखो जो मैंने हमेशा बताया है, उसको तो आप बिल्कुल बिंदास पढ़ो। और तीसरा मैंने बताया था मॉक टेस्ट, सबसे मेन तो मेरे को लगता है यही मेन है मॉक टेस्ट, ये आपके लिए बोलते हैं ना रामबाण अस्त्र है मॉक टेस्ट। ट्रस्ट मी, बच्चे फेल इसलिए होते हैं, 100 में से 90 बच्चे फेल हो रहे हैं, क्यों सर? नॉलेज नहीं है। अरे सर मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे बताया बच्चों की नॉलेज अच्छी है कि नहीं है। अच्छी है ना, कई बच्चे अच्छे हैं पर फिर नहीं पास हो दोबारा, क्योंकि सर वही लिखना नहीं हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट, लिखना कहाँ से। एक ही तरीका है, लेक्चर्स पढ़ो और उसके बाद व्हाट यू से सॉल्व करके देखो, अकाउंट से तो सॉल्व करो, टैक्स में इवन टैक्स एमसीक्यू होगा कई लोगों का, फिर भी सॉल्व करो, हमेशा 1 मार्क का तो एमसीक्यू है सर, सॉल्व क्या करना है करो, DRA कैलकुलेट करो, ओरल नहीं, हाँ काट काट कर, ये दिल्ली वाला ऐसा 40%, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो प्लीज, मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा सक्सेस रीजन हो सकता है आपके अगर आप राइटिंग का चालू कर दे तो, ठीक है। तो आई गेस सर बहुत सारी बातें मैंने बताई आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस दिसंबर एग्जाम में क्रैक करने के लिए, ये काफ़ी नहीं है जो बातें मैंने बताई है, आई नो दैट देर कुड बी मोर इंप्रूवमेंट, आई कैन से अ लॉट ऑफ टॉपिक ऑल्सो विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बट राइट नाउ टू पुश यू स्टार्ट करने के लिए ये काफ़ी था आज के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी है एक आपको पुश देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल जितने लोगों को लेक्चर बाय करना है खास करके, ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि यू कैन डिसाइड इट ऑन अक्टूबर और नवंबर, तो आप अभी सोच लो। और जो बातें टिप्स एंड ट्रिक्स वो मैं बताऊंगा अगले हफ्ते वगैरह तक के, बट अभी मेन पॉइंट है कि अगर आपको पढ़ाई पे लग जाओ, 2-3 दिन मातम मना लिया, अफसोस हो गया, ब्लेम गेम हो गया, तेरे जैसे पास नहीं हुआ, तुषार तेरे लेक्चर लिए थे मेरे पास नहीं हुआ, ये सब काम हो गया, अरे मैं तो वहाँ गई थी लेक्चर पढ़ने के लिए, अरे मैं तो वो सर के पास गया था, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा, ये काम तो आपने कर लिया, 3 दिन तक यही चलता रहा होगा। अब आप आ जाओ रियलिटी में, अब आप ये मान लो कि सर फेल तो आप हुए तो अपने वजह से, कोई आपको पास से फेल नहीं करा था, मैंने पहले ही बोला था, मैंने ये भी बताया था कल वीडियो डाला था तो, कि मेरे पास से 2-2 रैंक होल्डर आए, बट वो मेरे पास इसलिए आए क्योंकि उन्होंने मेरे लेक्चर लिए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे वजह से पास हुए, ना ना मुन्ना ना, वो पास खुद के जैसे हुए थे। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर पास करना है, हाँ बस ये था कि उन्होंने मेरी बातें फॉलो की थी, इतना ही है। और कई लोग सोचते हैं हाँ तुषार सर है छोड़ो ना, ऐसे उनको आदत ही है बोलने की, ऐसे जो सोचते हैं उनको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। द पीपल हु बिलीव हु ट्रस्ट ऑन द फैकल्टी, उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको हमेशा हेल्प मिलती है। और क्योंकि उनके एटिकेट देखो, जो बंदा फॉलो रिस्पेक्ट कर रहा है आपके एल्डर्स की, उसका मतलब उसकी अपब्रिंगिंग, उसका संस्कार, उसकी परवरिश सब अच्छी है, वो बंदा समझ सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ एंड वो फॉलो करता है। तो ये जो हैबिट होती है, एटीट्यूड होता है, अप्रोच होता है टूवर्ड्स एग्जाम, ये मैटर करता है। पढ़ाई तो सर सब करता है, CS में और BCOM में यही तो फर्क है, BCOM में कोई भी पास हो सकता है पढ़ाई करके, CS में सिर्फ पढ़ाई करके पास होने वाले बंदे बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि सर ये प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, लॉजिकल अप्रोच, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका बिहेवियर, ये सब मैटर करता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, बहुत सारी बातें मैं समझाई आपको, तो इस बात को दिल पे ले, समझे अच्छे से, कोई गलत बात या बुरी बात बोली तो मैं आपको दिल से माफ़ी मांगता हूँ, बट मैंने जो भी बोला वो फ्लो में बोला और दिल से बोला, अपना छोटा भाई बहन समझ के बोला मैंने, तो इस पर नाराज़ होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर भी नाराज़ होंगे तो डिसलाइक कर देना वीडियो को, ठीक है ना। बट जो पसंद आए जिनको, जिनको लगा कि सर ने बात सच बताई है और सही बोले, तो फिर भाई प्यार दे देना मुझे अपना लाइक देते हुए, ठीक है ना। तो भाई वीडियो यहीं पे रुकते हैं हम लोग, वापस से मिलेंगे नए वीडियो में जिसमें और सारी बातें अच्छी करेंगे। तब तक ध्यान रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।